नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल फागू चौहान ने राज्य कैबिनेट की अनुशंसा पर 16वीं विधानसभा को भंग किया। अगली व्यवस्था तक नीतीश कुमार कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। नई सरकार के गठन पर अंतिम फैसले के लिए 15 नवंबर को पटना में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में 1 दिसंबर तक सामान्य पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई। दीपावली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखा छोड़ने की अनुमति। और राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल फागू चौहान ने दीपावली पर लोगों को बधाई दी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले ये संकल्प। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल फागू चौहान ने राज्य कैबिनेट की अनुशंसा पर 16वीं विधानसभा को भंग कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शाम राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा और विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री का इस्तीफा स्वीकार करते हुए उन्हें नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने को अधिकृत किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की अंतिम बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधानसभा को भंग करने और नई सरकार के गठन पर चर्चा की गई। एनडीए विधायक दल के नवनिर्वाचित विधायकों की 15 नवंबर को पटना में बैठक होगी, जिसमें नई सरकार के गठन के बारे में फैसला किया जाएगा। आज पटना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 4 घटक दलों के नेताओं की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि एनडीए के नवनिर्वाचित विधायक 15 नवंबर को नई सरकार के गठन के बारे में औपचारिक रूप से फैसला करेंगे। नीतीश कुमार के आधिकारिक आवास पर आयोजित एनडीए की पहली बैठक में सभी 4 घटक दलों जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के नेता ने भाग लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने भी बैठक में हिस्सा लिया। जदयू के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह और विजय कुमार चौधरी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीताराम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने भी बैठक में भाग लिया। इस बीच एकमात्र निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की है। उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद ये फैसला किया। श्री सिंह चकाई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में जमकर हाथापाई हुई। बैठक के बीच हंगामा उस समय हुआ जब महाराजगंज से कांग्रेस विधायक विजय शंकर दुबे और विक्रम से विधायक सिद्धार्थ के बीच कांग्रेस विधायक दल का नेता बनने को लेकर बहस हुई। बवाल और हाथापाई के समय बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे भी मौजूद थे। विधान परिषद के 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए संपन्न चुनाव परिणामों की घोषणा कर दी गई है। पटना शिक्षक सीट पर भाजपा के नवल किशोर यादव को जीत मिली। उन्होंने अपने निकटतम उम्मीदवार राजद के नारायण यादव को 1263 मतों के अंतर से पराजित किया। वहीं दरभंगा शिक्षक क्षेत्र से कांग्रेस के मदन मोहन झा विजयी हुए। उन्होंने अपने निकटतम उम्मीदवार भाजपा के सुरेश राय को 689 मतों से पराजित किया। तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सीपीआई के संजय सिंह ने निर्दलीय भूषण झा को पराजित कर दूसरी बार जीत हासिल की है। सारण शिक्षक क्षेत्र से सीपीआई के केदार पांडे ने भाजपा के चंद्रमा सिंह को हराकर जीत हासिल की है। वहीं कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के डॉक्टर एनके यादव निर्वाचित घोषित किए गए हैं। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के नीरज कुमार ने राजद के आजाद गांधी को पराजित कर दिया। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 14वें चक्र की गिनती के बाद निर्दलीय सर्वेश कुमार जदयू के दिलीप कुमार चौधरी से आगे चल रहे थे। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.79% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 870 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। अब तक 2,18,800
28 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस समय 6078 मरीजों को विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इधर पिछले 24 घंटों में 581 नए मामलों की पहचान हुई। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पटना में सर्वाधिक 179 नए मामलों की पुष्टि हुई। वहीं मुजफ्फरपुर में 31, पूर्णिया में 25, भागलपुर में 23, नालंदा में 22, औरंगाबाद में 21 और रोहतास तथा दरभंगा में 17-17 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश के अन्य जिलों से भी पॉजिटिव के मामलों की पुष्टि हुई है। भारत में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर करीब 93% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 49,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक देश में 81,15,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में महामारी के रोगियों की कुल संख्या करीब 4,84,000 है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,874 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या 87 लाख से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण, निगरानी और उपचार की रणनीति पर कारगर तरीके से अमल से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है, जबकि मृत्यु दर में कमी आई है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल के प्रशासन प्रमुख डॉक्टर सिद्धार्थ सतपथी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए सही तौर तरीकों को अपनाने की जरूरत पर बल दिया है। डॉक्टर सतपथी ने इस महामारी के समय 5 सावधानियों पर अमल करना आवश्यक बताया। पहला है कि हम अपने फेस पे जब भी हम अपने हाथ लगाते हैं, हमें हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश से रब करना चाहिए। दूसरा है कि मास्क हमेशा मुंह और नाक को ढक के पहनना चाहिए, खास करके जब आप पब्लिक स्पेस। तीसरा है कि हमें इकट्ठा बैठ के क्लोज सर्कल में नहीं खाना चाहिए। अगर इकट्ठा खाना चाहिए तो एक बड़े जगह पे या खुले जगह पे, जहां पे हम वो 2 गज की दूरी आपस में मेंटेन करते हुए अगर खाएं तो उसके चांसेस रिस्क इन्फेक्शन के कम हो जाएंगे। चौथा है कि जब भी हम खांसें या छींकें, हमें कफ एटिकेट को प्रैक्टिस करना चाहिए, यानी कि अपने कोहनियों को मोड़ के उसके अंदर हम छींकें। पांचवा ये है कि जब भी हमें कोई इस तरह का सिम्टम्स हो, बुखार हो या फिर ड्राई कफ हो या लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल हो, इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हो तो हमें तुरंत टेस्ट करा लेना चाहिए नियर बाय सेंटर में। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संपूर्ण मानवता के कल्याण को समर्पित आयुर्वेद भारत की विरासत है। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक भारतीय के लिए यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे परंपरागत ज्ञान को अब विदेशों में भी अपनाया जाने लगा है। आयुर्वेद भारत की एक विरासत है जिसके विस्तार में पूरी मानवता की भलाई है। ये देखकर किस भारतीय को खुशी नहीं होगी कि हमारा पारंपरिक ज्ञान अब अन्य देशों को भी समृद्ध कर रहा है। आज ब्राजील की राष्ट्रीय नीति में आयुर्वेद शामिल है। भारत अमेरिका संबंध हो, भारत जर्मनी रिश्ते हो, आयुष और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से जुड़ा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को परंपरागत चिकित्सा पद्धति का वैश्विक केंद्र स्थापित करने के लिए चुना है। WHO के मुखिया और मेरे मित्र, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है। WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसकी स्थापना के लिए दुनिया में से भारत को चुना है और अब भारत में से दुनिया के लिए इस दिशा में काम होगा। भारत को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, विशेष रूप से WHO के महानिदेशक मेरे मित्र डॉक्टर ट्रेडोस का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पीछे बुनियादी सोच यह है कि आयुर्वेद शिक्षा के अंतर्गत एलोपैथी के तौर तरीकों का ज्ञान भी अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के प्रकोप के दौरान आयुर्वेद उत्पादों की मांग दुनिया भर में बड़ी तेजी से बढ़ी है। कोविड महामारी शुरू होने के बाद आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जैसे अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी आदि की कीमतें इसलिए बढ़ी क्योंकि मांग बढ़ी, लोगों का विश्वास बढ़ा। मुझे बताया गया है कि इस बार अश्वगंधा की कीमत पिछले साल के मुकाबले 2 गुनी से भी ज्यादा तक पहुंची है। इसका सीधा लाभ इन पौधों, इन जड़ी बूटियों की खेती करने वाले हमारे किसान परिवारों तक पहुंचा है। श्री मोदी ने कहा कि हल्दी और अदरक जैसी चीजों का निर्यात काफी बढ़ा है।
क्योंकि इन्हें रोग प्रतिरोग क्षमता बढ़ाने वाला माना जाता है। इससे यह साबित हो जाता है कि दुनिया भर में आयुर्वेद उपचार और भारतीय जड़ी बूटियों में लोगों का भरोसा बढ़ा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने डाकिया के जरिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की सेवा सफलतापूर्वक शुरू की है। इससे पेंशन पाने वाले व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। इस सुविधा को देश भर में उपलब्ध कराने के लिए पेंशन और पेंशनधारक कल्याण विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ मिलकर डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों की विशाल नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने की योजना बनाई है। इससे घर घर जाकर पेंशनधारकों से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र हासिल करने में आसानी होगी। राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में दीपावली को लेकर बाजारों में काफी रौनक देखी जा रही है। आज छोटी दीपावली के अवसर पर बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। लोग लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों के साथ ही दीये और मिठाइयां खरीद रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल फागू चौहान ने दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने समाज के विभिन्न वर्गों की ओर से दीपावली त्योहार को पारंपरिक तरीके से मनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय समाज का एकीकृत और पूर्ण रूप सामने आता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के अवसर पर देश की सीमा पर तैनात बहादुर जवानों के लिए एक दीया जलाने की अपील लोगों से की है। इधर राज्यपाल फागू चौहान ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली पर्व हमें अंधकार से प्रकाश, असत्य से सत्य और मृत्यु से अमरत्व की ओर अभिमुख होने की प्रेरणा देता है। राज्यपाल ने इस अवसर पर सबके लिए सुखी, समृद्ध और आनंदित जीवन की शुभकामना दी है। राज्य सरकार ने प्रदेश भर में 1 दिसंबर तक सामान्य पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। यह रोक सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों के अनुरूप लगाई गई है। आदेश में कहा गया कि पटना, गया और मुजफ्फरपुर में सभी प्रकार के पटाखे की बिक्री प्रतिबंधित है, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में केवल हरित पटाखे ही बिकेंगे। 125 डेसिबल से कम आवाज वाले पटाखों की बिक्री को ही अनुमति दी गई है। दीपावली और गुरु पर्व पर मान्य पटाखों का उपयोग रात 8 बजे से 10 बजे के बीच होगा, जबकि छठ पर्व पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ही लोग पटाखे छोड़ सकेंगे। पूर्व मध्य रेल ने त्योहारों के मद्देनजर पहले से घोषित विशेष ट्रेनों के अतिरिक्त कुछ अन्य विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। दिल्ली से सीतामढ़ी के लिए 2 जोड़ी पूजा विशेष ट्रेनों का परिचालन 16 से 19 नवंबर तक किया जाएगा। वहीं आनंद विहार से जयनगर के लिए 1 जोड़ी विशेष ट्रेन का परिचालन 14, 17 और 20 नवंबर को होगा। कटिहार जिले के मनसाही और बारसोई में अगलगी की अलग अलग घटनाओं में 35 फूस के घर जलकर राख हो गए। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना के सनहा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर 2 वाहनों की टक्कर में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायल हो गए। नालंदा जिले के किशोर पर्यवेक्षण गृह में बंद किशोर बंदियों के हाथों की बनी मोमबत्तियों से इस दीपावली में अधिकारियों के कार्यालय के साथ ही आचास भी रोशन होंगे। जिला कृषि विज्ञान केंद्र शेखपुरा में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को चालू रबी मौसम में फसलों की बुआई के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर प्रत्येक पंचायत के 5 गांवों के किसानों को चना और मसूर का बीज भी उपलब्ध कराया गया। अरवल के जिला पदाधिकारी रवि शंकर चौधरी ने अधिकारियों को खतरनाक छठ घाटों की पहचान कर वहां बैरिकेडिंग करने का निर्देश दिया है। अंतिम बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल फागू चौहान ने राज्य कैबिनेट की अनुशंसा पर 16वीं विधानसभा को भंग किया। अगली व्यवस्था तक नीतीश कुमार कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। नई सरकार के गठन पर अंतिम फैसले के लिए 15 नवंबर को पटना में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में 1 दिसंबर तक सामान्य पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई। दीपावली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखा छोड़ने की अनुमति। और राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल फागू चौहान ने दीपावली पर लोगों को बधाई दी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।